एक तरफ तो खुद सीएम अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को ठीक करने की बार बार बात कह चुके हैं, खुद यहां सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी ये कह चुके हैं नेताओं को कि जमीन पर कब्जा ना किया जाए। बावजूद इसके कई ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो कि इससे बाज नहीं आ रहे हैं। अब एक और नया मामला सामने आया है जहां ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगा है एक क्षेत्र पंचायत नेता के साथ मारपीट करने का। ये मामला जहां सामने आया, आपको बता दें कि असरवन गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश सिंह का यह आरोप है कि अखिलेश यादव ने उन्हें रामगंज बाजार में दौड़ा दौड़ा कर पीटा और दहशत फैलाने के लिए उन पर फायरिंग भी की। जब पीड़ित इसकी शिकायत लेकर स्थानीय थाने पहुंचे तो पुलिस ने सत्ता के दबाव में उल्टा पीड़ित पर ही 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि आरोपी पर मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अब पीड़ित का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख अखिलेश यादव कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का करीबी है और इसी के डर से पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी दबंगई के भरोसे 17 का चुनाव जीता जाएगा। वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद वहाँ से जब घर के लिए निकले हम, जैसे अपने रोड पहुँचे वैसे ये लोग स्कॉर्पियो से 10-12 लोग, लगभग 3-4 लोग वहाँ थे। हाँ, अखिलेश ही थे प्रमुख, बहादुर दबंग टाइप का है। तो जो है आया, बस घेर के कुछ न पूछ न ताश कुछ नहीं, कोई बात न चीज, घेर के बस उसने मारना शुरू कर दिया। और आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से एक तरफ तो सीएम की तरफ से डायल 100 की तारीफ की गई है जो कि एक अच्छा काम है, यहाँ प्रदेश की जनता को सहूलियत मिले, वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच जाए, ये कोशिश की जा रही है जो कि एक अच्छी कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कोशिशों पर पलीता लगाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या ये कहीं ना कहीं जो प्रयास किए जा रहे हैं ये सफल हो पाएंगे अगर नेताओं पर लगाम नहीं लगी तो? देखिए, ये चीज से सबको सब लोग जानते हैं, सारे बड़े जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात किया जाए या शिवपाल यादव की बात किया जाए, ये तो बहुत एक बात किया जाए ब्लॉक प्रमुख की बात है। यहाँ अभी एक थोड़े दिनों पहले एक MLC की बर्खास्तगी हुई जो कि बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के परिवार के बहुत बड़े नेता के सगे भांजे थे, उनकी से बर्खास्तगी इसी कारण से हुई कि उन्होंने अवैध जमीनों पे कब्जा करने का जो धंधा था वो किया। तो ये चीज खुद पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो मानते हैं और उनका ये भी मानना है कि ऐसे ही लोग 2017 का जो चुनाव है उसमें आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदें उसमें पलीता लगाएंगे। हालांकि इन सारी चीजों से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे DM और सारे SSP सारे जिले के जो कप्तान थे उनको बुलाया था और उनको बुला के हिदायत दी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से एकदम सुनिश्चित की जाए, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उसको सुनिश्चित की जाए। उसके बाद भी जो अमेठी में घटना घटी है ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो निर्देश है उनको एक तरीके से नजरअंदाज कर देने वाली बात है। और अगर जिस तरीके से ये जो पीड़ित बता रहा है, गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात कर रहा है, तो गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी के रजिस्टर्ड भूमाफिया की श्रेणी में आते हैं और उनके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप है कि लखनऊ से लेके सुल्तानपुर तक, अमेठी तक उनकी खरबों रुपए की जो जमीन है वो उन्होंने पूरी तरीके से अवैध जमीनें या गुंडई करके कब्जा कर रखी है। तो निश्चित सी बात है जब तक यात्री जैसे लोगों का संरक्षण उनके छोटे जो नेता उनपे बना रहेगा तो इस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की 2017 का मिशन है वो थोड़ा सा खटाई में जाता अनूप जरूर दिख रहा है। बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहे।